जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसआरएम फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में आपको जानकारी देने वाली हूँ कि संतान प्राप्ति के स्वप्न में कौन से संकेत मिलते हैं। साथ ही देखिए अगर गर्भवती महिला की नींद से और स्वप्न से कैसे जान सकते हैं कि आपके घर में आने वाला जो मेहमान है वो एक लड़का होगा या लड़की होगी। साथ ही दोस्तों आज की वीडियो में आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे भी दो बेटे हैं और उस समय पर सपने में मुझे क्या दिखाई देता था, कौन सा फल दिखता था या क्या वस्तु मुझे दिखाई देती थी, उसकी भी मैं जानकारी देने वाली हूँ। दोस्तों जो मैं आज आपको जानकारी देने वाली हूँ, देखिए हमारे बड़े बुजुर्गों के आधार पर भी है और साथ ही देखिए स्वप्न शास्त्र कहता है कि सपने कभी भी बिना वजह नहीं आते, कोई ना कोई उनका संकेत अवश्य होता है। तो दोस्तों उसी के आधार पर मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ। उसकी जानकारी देने से पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने बीएसआरएम फैमिली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें, बगल में बेल आइकन को भी दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ कि संतान प्राप्ति के स्वप्न में कौन से संकेत मिलते हैं। दोस्तों अगर आप फलों की टोकरी देखते हैं या आपकी गोद में फलों की टोकरी है तो यह संतान प्राप्ति का संकेत माना जाता है। साथ ही दोस्तों अगर आपको इमली दिखाई देती है या आप अपने आप को इमली खाते हुए देखते हैं तो यह संतान प्राप्ति का संकेत माना जाता है। ऐसे ही दोस्तों अगर आप हरे भरे खेत दिखाई देते हैं या फलों से लदा हुआ आपको पेड़ दिखाई देता है, कोई भी फल का पेड़ दिखाई देता है, आम का, लीची का, इस तरह का अगर आपको कोई हरा भरा पेड़ दिखाई देता है, खेत दिखाई देता है, तो शीघ्र ही आपको संतान की प्राप्ति होने वाली है। ऐसे ही दोस्तों अगर आप कुछ बच्चों को खेलते हुए देखते हैं या किसी एक बच्चे को हंसते हुए देखते हैं या बच्चों को खेलते हुए देखते हैं तो यह भी संतान प्राप्ति का संकेत माना जाता है। ऐसे ही दोस्तों अगर स्वप्न में आप सांप देखते हैं, देखिए सांप के दो संकेत माने जाते हैं कि अगर आपको देखिए सफ़ेद या सुनहरे रंग का सांप दिखाई दे तो यह धन प्राप्ति का मतलब संकेत माना जाता है। वहीं पर अगर आप दूसरे रंग का सांप देखते हैं तो यह संकेत संतान प्राप्ति का भी माना जाता है। ऐसे ही दोस्तों अगर स्वप्न में आपको नारियल देते हुआ दिखाई दे रहा है या आपको नारियल देता है कोई प्रसाद के रूप में तो यह भी संतान प्राप्ति का संकेत माना जाता है। इसी प्रकार दोस्तों स्वप्न में अगर आपको कोई देखे दूध से भरा हुआ बर्तन दे रहा है, यानी दूध का भरा हुआ बर्तन देखना और आपको कोई बर्तन देता हुआ देखना, यह भी संकेत संतान प्राप्ति का माना जाता है। तो दोस्तों ये कुछ संकेत बताए हैं जिससे आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको शीघ्र ही संतान की प्राप्ति होने वाली है अगर आप इस तरह के स्वप्न देखते हैं। दोस्तों ऐसे ही अगर गर्भवती महिला को स्वप्न में देखिए हरा भरा बिल्कुल साफ सुथरा तरबूज दिखाई देता है तो यह पुत्र प्राप्ति का संकेत माना जाता है। ऐसे ही अगर आप स्वप्न में केला देखते हैं, सेब देखते हैं, अमरूद को देखते हैं या फिर पपीता देखते हैं या गन्ना को देखते हैं या गन्ने का हरा भरा खेत देखते हैं, इन फलों को देखते हैं तो आपको शीघ्र ही पुत्र संतान की प्राप्ति होने वाली है। ऐसे ही दोस्तों अगर सब्जियों में आप आलू, बैंगन, कद्दू देखते हैं तो यह भी पुत्र प्राप्ति का संकेत माना जाता है। ऐसे ही दोस्तों अगर आप अपनी गोद में मतलब फलों से भरा हुआ टोकरा मतलब टोकरी जो फलों से लदी हुई टोकरी होती है उसको देखते हैं अपनी गोदी में तो यह पुत्र प्राप्ति का संकेत भी माना जाता है और संतान प्राप्ति का भी संकेत माना जाता है। वहीं पर दूसरी तरफ दोस्तों अगर गर्भवती महिला को इमली दिखाई देती है, हरी मिर्च दिखाई देती है या फिर अपने आप को इमली खाते हुए देखती है तो यह भी देखिए लड़की यानी कन्या संतान प्राप्ति का संकेत माना जाता है। ऐसे ही देखिए गर्भवती महिला को अगर सब्जियों में भिंडी दिखाई देती है या फिर तोरी देखना, लौकी देखना, स्त्रीलिंग सब्जियों को देखना मतलब कन्या संतान प्राप्ति के संकेत माने जाते हैं कि आपको एक प्यारी सी बिटिया होने वाली है। वहीं पर अगर आप फलों में इमली, लीची, हरी मिर्च इस तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं तो यह भी मतलब बेटी प्राप्ति के संकेत माने जाते हैं। दोस्तों जब मैं गर्भवती थी तो देखिए मुझे अधिकतर स्वप्न में देखिए आम दिखाई देता था और खीरा दिखाई देता था। दोस्तों आम का देखना, अमरूद का देखना, खीरा देखना, मुझे ये तीन चीज़ें दिखाई देती थी जब मैं गर्भवती थी। तो आप इससे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको आपके घर में आने वाला जो मेहमान है वो प्यारी सी बिटिया होगी या प्यारा सा बेटा होगा। दोस्तों स्वप्न में देखिए अगर आपको पूरा साबुत साफ सुथरा फल दिखाई दे रहा है, यानी तरबूज, केला, सेब, अमरूद, ये अगर आपको देखिए एक या दो साबुत दिखाई दे रहे हैं तो ये देखिए पुत्र प्राप्ति के संकेत माने जाते हैं। वहीं पर
अगर आपको ये फल या सब्जियां कटी हुई दिखाई दे, मतलब जैसे सेब कटा हुआ दिख रहा है आपको, अमरूद कटा हुआ देख रहा है, या कोई सब्जी आपको कटी हुई देख रहे हैं, तो ये शुभ संकेत नहीं माना जाता है। इनका संकेत देखे कुछ और होता है, उस समय पर आपको थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकता है। दोस्तों, कटे हुए फलों का देखना, कटे हुए सब्जियों का देखना शुभ नहीं माना जाता। सतर्कता की निशानी बताई जाती है कि उस समय पर आपको अपना ध्यान अवश्य रखना चाहिए, थोड़ी सी सावधानी आपको अवश्य रखनी चाहिए। दोस्तों, ये बहुत से संकेत हमने बताए हैं, लेकिन कोई भी देखे संकेत 100% नहीं होता। वैज्ञानिक तरीके पर इसका कोई आधार नहीं है, कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। ये हमारे स्वप्न शास्त्र के अनुसार भी है और कुछ हमारे बड़े बुजुर्ग भी बताते हैं इनके संकेत। तो दोस्तों, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इन सपनों को आप कहाँ तक सच मानते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।